हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज एक इम्पोर्टेंट थ्योरम करेंगे हम, रीमन स्टेजेस इंटीग्रल, रिडक्शन टू रीमन इंटीग्रल। फिर इसको रीमन इंटीग्रल में कैसे रिड्यूस करना है बेटा, हम पहले रीमन इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे बेटा। हम कहते हैं बेटा एफ इज रीमन इंटीग्रल। तो हमने क्या पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी बेटा, SPF equal to summation I equal to 1 to n FTI delta XI, उसमें delta alpha ही होता है बेटा। Next limit n tends to infinity SPF equal to A to B FDX। बेटा ये हमने definition पढ़ी है Riemann integral की। चलो हम बात करते हैं यहाँ पे बेटा, हमने ये प्रूव करना है। देखो f इज रीमन स्टेजेस इंटीग्रल ऑन क्लोजिंग इंटरवल ए बी, हमें स्टेजेस इंटीग्रल गिवन है बेटा। लेट अल्फा एज ए कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव अल्फा डैश ऑन क्लोजिंग इंटरवल ए बी, देन रीमन इंटीग्रल एग्जिस्ट। रीमन इंटीग्रल एग्जिस्ट बेटा, इसकी बात कर रहे हैं, इसका हमने ये प्रूव करना है। f अल्फा डैश डी एक्स इक्वल टू एफ डी अल्फा, तो लेट मैंने इसको कंसिडर कर लिया, लेट जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स अल्फा डैश एक्स, ओके। लेट पी वी पार्टीशन, मैंने एक पार्टीशन कंसीडर कर ली, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन इक्वल टू बी, पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। देन बाय डेफिनेशन ऑफ रीमन इंटीग्रल बेटा, एस पी जी इज इक्वल टू, मैंने ये बताया ना आपको, समेशन जी टी आई, आई की वैल्यू वन से लेके अन तक डेल्टा एक्स आई, ओके। वी राइट समेशन आई इक्वल टू वन टू एन जी एफ टी आई अल्फा डैश टी आई डेल्टा एक्स आई। अब इसको मान लीजिए, हमें क्या गिवन है, एफ इज रीमन स्टेजेस इंटीग्रल, एस पी सेम पार्टीशन ले लीजिए, समेशन आई इक्वल टू वन टू एन एफ टी आई डेल्टा अल्फा आई, ओके। वी राइट समेशन आई इक्वल टू वन टू एन एफ टी आई, इसको क्या लिखेंगे, अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस वन। आपको मालूम है कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव बेटा, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम या लैग्रैन्जियन मीन वैल्यू थ्योरम की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या था बेटा, एफ कॉन्टिन्यूस, एफ कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, एफ डिफरेंशियबल इन ओपन इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल सच दैट एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी। तुम यहाँ पे आ रहे हैं बेटा, अल्फा क्या है, कॉन्टिन्यूस भी है, डेरिवेटिव भी है, डिफरेंशियल भी है, देन फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस वन, एक्स आई माइनस वन एफ डैश, कुछ भी ले लीजिए सी के, यहाँ पे सी किसमें बिलोंग कर रहा है बेटा, ओपन इंटरवल ए बी, यहाँ पे सी के किसमें बिलोंग कर रहा है बेटा, एक्स आई माइनस वन एक्स आई, ओके। देन अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस वन, एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन एफ डैश सी के, वी राइट एफ डैश सी के डेल्टा एक्स आई, पुटिंग दिस वन, देन एस पी एफ अल्फा इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू वन से लेके एन तक एफ टी आई एफ डैश सी के डेल्टा एक्स आई। नंबर टू, सब्ट्रैक्ट दी सेकंड माइनस फर्स्ट, एस पी एफ अल्फा माइनस एस पी जी, दिस वन इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू वन टू एन, देखो एफ टी आई कॉमन इनटू एफ डैश बेटा, एफ डैश नहीं आना था यहाँ पे, क्या आना था, अल्फा डैश, सॉरी बिकॉज वहां पे एफ था,
यहाँ पे क्या अल्फा डैश, अल्फा डैश सी के माइनस वैल्यू दिस, अल्फा डैश पी आई साथ में डेल्टा एक्स. ओके, टेकिंग मॉडल्स एस पी एफ अल्फा माइनस एस पी जी इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू वन टू एन एफ टी आई द मॉडल्स अल्फा डैश सी के माइनस अल्फा डैश टी आई द मॉडल्स. डेल्टा एक्स आई पे आप मॉडल्स डालें, डाल दो, नहीं डालना कोई प्रॉब्लम, बिकॉज डेल्टा एक्स आई इज ऑलवेज पॉजिटिव. देन बेटा हमें गिवन है एफ इज रिमूव्ड चल जैसे इंटीग्रल, तो क्लियर है एफ इज बाउंडेड. सिंस एफ इज बाउंडेड सो एफ डैश एक्स लेस देन के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल. मेरे पास क्या है बेटा, एफ डैश लेस देन के. ओके, हमें अल्फा डैश क्या गिवन है बेटा, कॉन्टिन्यूस गिवन है, ठीक है, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी. देन ये क्या हो गया बेटा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस भी हो गया. सो अल्फा डैश सी के माइनस अल्फा डैश टी आई दिस वन इज लेस देन एप्सिलॉन. आगे मैं वैल्यू लिखूंगा, पहले आप एप्सिलॉन लिख लीजिए. ओके, तो मेरे पास क्या है बेटा, देखो एस पी एफ जी सॉरी एफ अल्फा माइनस एस पी जी लेस देन और इक्वल टू, पहले लेस देन क्या आ गया बेटा, के लेस देन इक्वल टू भी डाल सकते हो, के साथ में लेस देन नाल क्या है बेटा इसके, ये तो के हो गया, ये क्या हो गया बेटा एप्सिलॉन समेशन आई इक्वल टू वन टू एन डेल्टा एक्स आई. बेटा आपको मालूम है डेल्टा एक्स आई किसके इक्वल होता है, बी माइनस के. तो आपने यहाँ पे क्या लेना है, एप्सिलॉन बाय टू के बी माइनस ए ले, ये लेस देन एप्सिलॉन भी हो गया, बाय टू के बी माइनस ए, एप्सिलॉन बाय टू के बी माइनस सॉरी क्या आ गया बेटा मेरे पास, एप्सिलॉन बाय. तो मेरे पास क्या आ गया रिजल्ट बेटा, एस पी एफ अल्फा माइनस एस पी जी क्या आ गया बेटा, लेस देन एप्सिलॉन बाय. हमने आगे क्या प्रूव करना है, मैंने आगे प्रूव करना है, एक तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, सेकंड दिस वन आर इक्वल, देन एस पी जी एस पी एफ अल्फा माइनस ए टू बी एफ डी अल्फा इज आल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाय टू, बिकॉज एफ क्या है बेटा, रीमन स्ट्रिंजर सिटी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बेटा. देन मैंने प्रूव करना है ये वाला बेटा, इट एग्जिस्ट, देन एस पी जी माइनस ए टू बी एफ डी अल्फा, ये प्रूव करना है. आगे इसमें बेटा मैंने एड स्प्रेड कर दिया ये वाला बेटा, एस पी एफ अल्फा माइनस एस पी जी माइनस ए टू बी एफ डी अल्फा, ओके, प्लस माइनस प्लस क्या आया बेटा मेरे पास, मैंने ये बनाना बेटा एस पी जी दिस वन, देन माइनस एस पी एफ अल्फा माइनस ए टू बी एफ डी अल्फा, आगे प्लस माइनस आगे कैसे लिखूं बेटा इसको, एस पी जी अल्फा माइनस ए बी माइनस, मैंने ये ऐड किया ना, इसको स्प्रेड कीजिए, एस पी एफ अल्फा प्लस एस पी जी. ओके, मैंने ये लिख दिया, मैंने ये प्लस कर दिया, ये क्या कर दिया बेटा माइनस, इस पर ऐसे लिखो बेटा एस पी एफ अल्फा माइनस ए टू बी एफ डी अल्फा
minus SPF alpha minus SPG. This one is less than equal to SPF alpha because A minus B the mod is less than equal to A mod plus B mod minus A to B FD alpha plus SPF alpha minus SPG. From second and third beta, GBS third and fourth, इसको third ले लीजिए बेटा, इसको fourth. From third and fourth, this one is less than epsilon by 2, this one is less than epsilon by 2. Epsilon by 2, epsilon by 2, this one is epsilon. तो मेरे पास क्या है? SPG minus A to B FD alpha less than epsilon. तो clear है बेटा limit. N tends to infinity SPG is equal to A to B FD alpha. मैंने आपको बताया था ये वाला बेटा, इसको क्या लिखेंगे? A to B G D X equal to A to B FD alpha. G की वैल्यू बेटा मैंने क्या कंसीडर की थी ये? तो मेरे पास क्या है बेटा? A to B FX alpha dash x dx, this one equal to a to b f d alpha. ये ही मैंने प्रूव करना था बेटा. ओके, ये एग्जिस्ट करेगा बिकॉज ये क्या है बेटा? रीमन स्टेजस इंटीग्रल हमें मालूम है, गिवन है. तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? फाइनाइट. यदि फाइनाइट आ रही है एग्जिस्ट कर रही है, ये एग्जिस्ट कर रही है, यही हमने क्या करना था बेटा? प्रूफ. और नेक्स्ट वीडियो में बेटा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करूंगा, स्टेप फंक्शन एज इंटीग्रेटर. ओके, थैंक यू वेरी मच.